हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन जाने वाले हैं एडवेंचर में, और आज अपन एडवेंचर इतना एडवेंचर करने वाले कि अपना सारा का सारा एडवेंचर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल एडवेंचर तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पर यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट एडवेंचर का डिफ़िकल्ट मोड होता है उसका जो चैप्टर 23 है, लास्ट चैप्टर इसका, सिर्फ और सिर्फ लास्ट चैप्टर ही मेरा पेंडिंग है। तो इस वीडियो के अंदर अपन पूरा को पूरा ये ख़त्म करने वाले और देखेंगे कि इसके बाद क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और अपना फिर एडवेंचर का लास्ट वीडियो होने वाला ये, क्योंकि एडवेंचर तो भाई अपना हो चुका है कंप्लीट। तो अपनी फर्स्ट मैच है, फर्स्ट मैच अपन अच्छे से देख लेंगे और लास्ट मैच अच्छे से देख लेंगे। बीच में की सारी मैच है जो बीच में की थी, 8 मैच बीच की, वो सारी मैं स्किप कर दूंगा, आपको पूरी नहीं दिखाने वाला हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे जो 1 से लेकर 10 तक जितने भी 23 चैप्टर के अंदर वो भी बॉस थे, बोल सकता हूँ कि सारे के सारे सेम थे। यहाँ पे यही था भाई, यही रायकुजा, गेरडोज, जिराची और म्यूटू, यही 4 पोकेमोन थे पूरे के पूरे 10 लेवल में। तो कुछ पोकेमोन में डिफरेंस नहीं था, मेरी टीम में भी डिफरेंस नहीं था, मेरा अटैक पैटर्न भी एक टाइप से एकदम सेम ही था सारे बैटल में। तो इसके वजह से मैं सारी बैटल नहीं दिखाऊंगा, अच्छी खासी बैटल में स्किप कर दूंगा। और यहाँ पे जब अपनी सारी की सारी बैटल कंप्लीट होती है, पूरा अपन एडवेंचर क्लिक कर लेते हैं, तो मेडल ऑफ ऑनर जो अपना उधर गॉड पिका का जो बोर्ड खड़ा होता है उधर से अपने को रिवॉर्ड भी मिलता है। और फिर वो रिवॉर्ड कलेक्ट करने के बाद अपन जाएंगे अपने पोकेमॉन स्टूडियो के अंदर पत्ते पलट के देखने कि वहाँ पे अपने को इस बार में कोई अच्छा ऑफर मिलेगा कि नहीं। तो अपनी फर्स्ट बैटल खत्म होने पे आई है, सारे पोकेमॉन की हेल्थ कम हो चुकी है सामने वाले की, मतलब कम नहीं हुई है पर भाई मेरे लिए तो कमी है, क्योंकि इस अटैक के अंदर तो इन लोगों का काम तमाम होना ही होना है, ये नहीं तो नेक्स्ट में तो पक्का ही होना है। उसके बाद दिए शेडन के अंदर, तो यहाँ पे इसने किया जिराची ग्रुप हमला, जिराची नहीं जागड़े, इसने वापस से किया ग्रुप हमला। अब तो सबकी हेल्थ थोड़ी थोड़ी है, तो भाई यहाँ पे तो लोगों का काम खत्म। ग्राउडन अपना 2 एनर्जी लेके आ चुका है, ग्राउडन को लेके आ गए सामने, जिराची सबसे ज़्यादा हेल्थ वाला है, जिराची को दिए मेन अटैक, बाकी सारे को तो मेरे दोनों पोकेमॉन देख लेंगे। इसको ये मार दिए, और अपन भी म्यूटू है तो अपन भी मार देंगे, दोनों काम तमाम। पहला राउंड अपन अच्छे खासे जीत के, ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, एकदम सिंपल था, ऑटो पे छोड़ दे तो भी जीत जा, पर मैं सोच रहा हूँ भाई ऑटो पे क्या खेलना, वीडियो बना रहा हूँ तो कोई मैनुअली खेल के बता दिया कि मैं कैसे बैटल करता हूँ। अब यहाँ पे अपनी बैटल चालू होती है, सेकंड बैटल है, मैं सारा का सारा पार्ट इसका स्किप करने वाला हूँ, अपना पूरा का पूरा सेकंड बैटल है। सेकंड बैटल यहाँ पे देख सकते हो, चौथा राउंड चालू है, जागड़े ने ये किया, जिराची मर गया, मेन अटैक इसको मार दिया वो मर गया, फिर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका म्यूटू बचा, म्यूटू का एकदम पिल्ला सा हेल्थ है, म्यूटू को ये मार दिया ड्रैगन रेज, काम तमाम। उसका भी 3 स्टार सेकंड और उससे भी मिल गया अपने को आसानी से। थर्ड राउंड 23 का 3, स्टेमिना खत्म हो गया, 100 मैंने परचेस कर लिया, 100 डायमंड देके 100 स्टेमिना, बैटल कंटिन्यू, बैटल स्टार्ट, और यहाँ पे बैटल खत्म। यहाँ पे म्यूटू दिया मेन अटैक, और ओके जिंदा है इसका जीरा, ओके नहीं जिंदा है, काम तमाम हो गया इसका। यहाँ से भी 3 स्टार मिल गए आसानी से एकदम। फिर अपना 23 का 4 पे अपन जल्दी से चले जाते हैं, और यहाँ पे जल्दी से जाके भी अपन जल्दी से ख़त्म भी कर दिए। यहाँ पे म्यूटू लास्ट तक जिंदा था, इसको अपना लाफा डाक रहा है वाला, इसका भी काम तमाम, 3 स्टार यहाँ से भी आराम से मिलेगा अपने को। नेक्स्ट अपना कौन सा है, 5वां नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट 5वां है। 5वें में अपन ये घर के अंदर लड़ाई कर रहे, घर के अंदर रायकुजा और जागड़े जिंदा थे, मेन अटैक दिया इसको, और यहाँ पे इसको भाई लोग ने एक ब्लेड फेंक के मारा, और इसने ये पॉइजन वाला अटैक, ओके एकदम चुल्लू से हेल्थ है, वो भाई मार के मर गया, इसको हिम्मत ही नहीं बची इसमें, ओके ये भी क्लियर कर लिए आसानी से। अपन नेक्स्ट पे चले जाते हैं, नेक्स्ट अपना 6, ओके तो लास्ट जो 5 था वो ओके, जो भी हो 5-6 सब एक ही है, इसका भी काम था, म्यूटू लास्ट तक जिंदा था, खुद मार के मर गया, ये भी हो गया अपना। फिर नेक्स्ट 9 लेवल, ठीक है 9 ही है ना, ओके तो 9 था, बीच के मैंने 2-3 स्किप कर दिया क्योंकि सेम ही चीज़ हो रही थी। तो अपन यहाँ पे सेकंड लास्ट पे बैटल कर दे, ये बैटल भी पूरा नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो 5वें राउंड के अंदर मैं जो 9th बैटल थी अपनी 23 का 9th, ये भी जीत गया। अब आ जाते हैं अपन अपने फाइनल एंड लास्ट एंड फाइनल बैटल पे, जो कि रहेगा अपने 23 का 10 बॉस बैटल। तो अपन बॉस बैटल में यहाँ पे देख सकते हो, जिराची मेन बॉस है, जागड़े, म्यूटू और रायकुजा, इसके बोल सकते हैं ना राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड मिडल हैंड है, मेरे हिसाब से 3 पोकेमॉन के हुए जो भी है, तो लोग ये 4 पोकेमॉन से मेरे को बैटल करना है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले जिराची बॉस है, तो यहाँ पे किसी एक को शेडो में डाल सकता हूँ, क्योंकि भाई तीनों शेडो में हाई डैमेज देने वाले, तो फर्स्ट राउंड में तो किसी एक को टारगेट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसको म्यूटू को भेज देता हूँ शेडो के अंदर जल्दी से, चले गया शेडो रम के अंदर, मेरा जागड़े ग्रुप अटैक मारेगा, ओके नाइस ग्रुप अटैक मारा इसने भी, पत्थर फेंक के मारा। सबसे पहले म्यूटू को फोकस किया, ग्राउडन का अटैक फुल हो गया, मतलब वो मारने लायक हो गया, उसको रख लेंगे अपन मिडल में जी, अपना म्यूटू को भी फुल हो चुका है, उसको निकाल लेंगे बाहर, और यहाँ पर किसी एक पोकेमॉन पर टारगेट बनाएंगे, किसको बनाऊँ, लोग दोनों में से किसी एक को टारगेट बना लिया। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, सारे अटैक सिलेक्ट हो गए, ग्राउडन ने मार दिया मेन अटैक, उसका उसको किसको जिराची को मार दिया, थोड़ा सा जिंदा है, म्यूटू ने मेन अटैक मार दिया अभी भी जिंदा है, ओके इसने छींक दिया उसके ऊपर काम तमाम, 2 जिंदा है, म्यूटू का थोड़ा सा हेल्थ है, और जागड़े नहीं गेरेडोस का है, और भाई यहाँ पर नया नया रायकुजा निकल के आ चुका है। इन लोग भाई इतने बॉस है, तो लोग भाई इन लोग को मेगा पोकेमॉन कुछ नहीं, तो खुद को नहीं तो कंप्यूटर को देना चाहिए, खेलने नहीं मिले तो बैटल तो करने मिलना ही चाहिए मेरे को। म्यूटू का काम तमाम कर दिया मैंने इधर पर,
है ना, इस गेम के अंदर ऐसा करना चाहिए कि जो मेगा मेगा मास्टर है वो सब पोकेमोन है जो अपने को नहीं दे रहे, तो जो बॉस बॉस बैटल होती है तो उनके अंदर ही कम से कम अपोनेंट में लोग को दे देना चाहिए ऐसे अच्छे खासे बड़े बड़े पोकेमोन, जो मेगा रायकुजा, मेगा स्नोरलैक्स, मेगा लुकारियो, वो सब जो भी पोकेमोन है अच्छे अच्छे टाइम आइलैंड वाले या फिर परचेस करने वाले मेगा स्नोरलैक्स, ये सब हमको नहीं दे रहे तो कम से कम अपोनेंट को ही दे दो। सामने जो कंप्यूटर्स होते हैं जैसे कि एडवेंचर की बैटल हो गई, तो यहाँ पे कम से कम खेलना नहीं मिल रहा, बैटल तो करने मिल जाए लोग से, तो कुछ तो करो लोग, क्या फिर लोग को भी खुद के लिए पैसे ही भरना पड़ेगा कंप्यूटर से खेलाने के लिए भी जो भी है। तो यहाँ पे अपन कितने 5वें राउंड पे और अपने को 8वें राउंड से पहले बैटल ख़त्म करना है। तो भाई एक पोकेमोन तो ऐसी काम चले गया, दूसरा पोकेमोन सपने देख रहे हैं अपने खतरनाक वाले, इसके ऊपर पॉइजन भी डाल दिया अपन ने लास्ट अटैक के, क्या पोकेमोन चेंज करे फेंक के मारे और बैटल जीत गए। यहाँ पे देख सकते हो नीचे चमक क्या आया, वो चमक के इसलिए आया है क्योंकि मेरा एडवेंचर का पूरा 100% कंप्लीट हो चुका है, सारे जितने एडवेंचर हुए नॉर्मल और उसके हर एक एडवेंचर का हर एक लेवल का सब कुछ परफेक्ट 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 हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से अपन रिवॉर्ड कलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट में रिवॉर्ड में पैसे मिले, सेकंड में पैसे नहीं मिले डायमंड मिले, थर्ड में भी पैसे नहीं मिले डायमंड मिले और ब्लू टिकट मिले। ओके यहाँ पे आपने 100% एडवेंचर कंप्लीट कर लिए, अब चले आते हैं अपने मेडल ऑफ ऑनर वाला रिवॉर्ड देखने, देख लेंगे मेडल ऑफ ऑनर का रिवॉर्ड क्या है। यहाँ पे देख सकते हो आगे का अभी तक आया नहीं है, रास्ता तो है आने वाला पर यहाँ पे अभी तक आया नहीं, तो देखेंगे कब आता है क्योंकि जब से गेम बना तब से यहीं तक है, इसके आगे कुछ भी एडवेट नहीं किया मेरे हिसाब से अभी तक, तो देखो पता नहीं ऐड होता है कि नहीं, पर फिलहाल के जितने भी गेम में है एडवेंचर मेरा फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे अपन आ गए पत्थर पे नाम लिख के आया होगा मेरा, यहाँ पे देखो चमक रहा है चैलेंजेस क्या डिफिकल्ट एडवेंचर फाइन, यहाँ पे देख सकते 23 के 10 को डिफीट करने का बोल रहे हैं, तो अपने को ये रिवॉर्ड मिलेगा। क्लेम करने से क्या मिला मेरे को, कुछ तो अचीवमेंट करके मिला जो ऊपर कर गया, जो उनसे डायमंड मिलना था। तो ये था भाई अपना, ये हो गया अपन ने फाइनली कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक है डायमंड बॉस वाला भी कुछ था, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ओके ये सब कर लिए, अब अपन आते हैं पोकेमोन स्टूडियो के पत्ते पलटने। 3 पत्ते पलटे, 2 साइड है, एक पिकाचू कुछ अच्छा मिला, सब कुछ रेमो डायमंड की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेना है मेरे को। नेक्स्ट स्पिन 3 बार स्पिन कर सकते हैं, 2 म्यूटो एक साइड है कुछ अच्छा है, और पैसे की कमी नहीं तो ये ले लेता, पैसे की कमी है, पैसे नहीं वेस्ट करना है मेरे को, पैसे की बहुत कमी है फिलहाल। ओके ये भी कर दिया, फिर यहाँ पे स्किप 2 पिकाचू 1 म्यूटू 2 पिकाचू, ओके वापस से सारी की सारी रेमो डायमंड वाली चीज़। तो भाई मेरी ये समनिंग तो मतलब समनिंग ही पत्ते पलटने वाला जो भी था वो तो बर्बाद हो गया। तो इस वीडियो के इतने दोस्तों बड़े अच्छे, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।